हस्ती बैठे हैं जिसमें सभी जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी लगती है बढ़ती जाए असल में वो बढ़ ना पाए अगर यीशु माझी नहीं अगर यीशु माझी नहीं चाल आए तूफान आए घबराए दिल ये मेरा तू चाल आए तूफान आए घबराए दिल ये मेरा यीशु बनेगा तेरा सहारा आजमा ले तू उसको जरा आजमा ले तू उसको जरा जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी लगती है बढ़ती जाए असल में वो बढ़ ना पाए अगर यीशु माझी अगर यीशु माझी नहीं रास्ता कठिन और लंबा सफर हो छाया हो अंधियारा रास्ता कठिन और लंबा सफर हो छाया हो अंधियारा यीशु ही है जो पार लगाए पहुँचाएगा वो किनारा पहुँचाएगा वो किनारा जीवन है कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी लगती है बढ़ती जाए असल में वो बढ़ ना पाए अगर यीशु माझी नहीं अगर यीशु माझी नहीं अगर यीशु माझी नहीं आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है यीशु से मुलाकात। हम सीख रहे हैं यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह का जीवन चरित्र, यीशु मसीह ने अपना जीवन इस दुनिया में किस तरह से बिताया, वो हमारा किस रूप में एक आदर्श है, एक नमूना है, वो हमारी कैसे मदद कर सकता है, हमारी सहायता कर सकता है, हम पस्त हिम्मत हों तो कैसे हमारी हिम्मत बना सकता है। इन सारी बातों के विषय में आज के संदेश में हम सीखेंगे। और आज का संदेश है कि यीशु मसीह परीक्षाओं के ऊपर किस तरह से जयवंत हुआ। आइए मेरे साथ आप बाइबल को खोलें, इब्रानियों की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और उसके 15 पद में हम पढ़ें तो पाते हैं, क्योंकि हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। हमारा महायाजक, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह इतना महान है कि वो हमारे समान इस दुनिया में आया, लेकिन हमारे समान परीक्षाओं में नहीं गिरा। हर बात में उसकी परीक्षा हुई,
वो एक गरीब घर में पैदा हुआ। उसने तमाम परेशानियों, बाधाओं, रुकावटों को सहा, लेकिन हर परीक्षा में वो जयवंत हुआ और वो हमारे समान परखा तो गया लेकिन वो निष्पाप निकला। कितने लोग हैं जब हमारे सामने परीक्षाएं आती हैं तो हम परीक्षाओं में गिर जाते हैं, हम पाप कर बैठते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को साबित कर दिया कि कोई भी परीक्षा कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम में से किसी को भी पाप करने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है, हमें पाप में गिरने के लिए विवश नहीं कर सकती है। यीशु मसीह हमारा महायाजक है, अर्थात वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, वो हमारा प्रभु है, वो हमें बल देता है, वो हमारा मसीह है, हमारा उद्धार करता है। आज हम यीशु मसीह के जीवन के इस पहलू को देखेंगे कि उसने किस प्रकार से परीक्षाओं पर जय हासिल की, किस प्रकार से वो परीक्षाओं पर जयवंत हुआ, ताकि हम भी जो उसके मानने वाले हैं, उसके मानने वाले, उसके पालन करने वाले, उसके वचन के अनुसार चलने वाले मसीह लोग हैं, हम भी अपने जीवन में परीक्षाओं पर जयवंत हो सकें। इसी पुस्तक में इब्रानियों की पुस्तक 5वें अध्याय और उसके 7 पद से हम देखेंगे कि यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो इसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यीशु मसीह जो परीक्षाओं के ऊपर जयवंत हुआ, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था कि यीशु मसीह प्रार्थना करने वाला जन था। यीशु मसीह जब इस दुनिया में था तो उसके चेले जब सोकर उठते थे तो उसे वहाँ पर नहीं पाते थे, क्योंकि वो बहुत जल्दी उठकर कहीं एकांत में, वीरान जगह में चला जाता था और वहाँ यीशु मसीह प्रार्थना करता था। यीशु मसीह हर दिन का स्वागत प्रार्थना के साथ करता था। वो जानता था कि उस दिन उसे तरह तरह की परीक्षाओं का सामना करना है और इसलिए वो तैयारी करता था प्रार्थना के द्वारा। किसी ने कहा है कि प्रार्थनाहीन मसीह शक्तिहीन मसीह होता है। जो प्रार्थना करता है वही परीक्षाओं के ऊपर जयवंत हो सकता है, जैसे कि मसीह यीशु ने एक प्रार्थना का जीवन बिताया, निरंतर परमेश्वर पिता की निकटता में जीवन बिताया और इसलिए वो परीक्षाओं के ऊपर जयवंत हो सका। हम यहाँ पर आगे पढ़ते हैं कि पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। उसने आज्ञा उल्लंघन करने के लिए कोई बहाना नहीं बनाया। उसने परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए कभी भी अपनी अनिच्छा को जाहिर नहीं किया, बल्कि उसने हमेशा कहा कि हे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह हमारा नमूना है, हमारा आदर्श है और उसने सिद्ध बनकर हम सबको उदाहरण दिया है कि हम भी सिद्ध बन सकते हैं, हम भी जयवंत हो सकते हैं, हम भी परीक्षाओं पर जयवंत हो सकते हैं, हम भी एक निष्पाप जीवन बिता सकते हैं और हम भी यीशु मसीह की गवाही दे सकते हैं अपने जीवन के द्वारा। आइए आप मेरे साथ चलें मत्ती चार अध्याय में हम जानते हैं कि वहाँ पर यीशु मसीह की परीक्षाओं का वर्णन है। यीशु मसीह वहाँ पर 40 दिन उपवास में रहता है और 40 दिन उपवास के बाद जो है उसकी परीक्षा होती है। आइए मेरे साथ आप खोलें मत्ती 4 अध्याय और उसके शुरू से हम 11 पद तक बारी बारी से देखेंगे। और यहाँ पर लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। यीशु मसीह बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद अपने आप जंगल में नहीं गया, अपने आप उसने दिखावे के लिए वो नहीं गया, बल्कि पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई की और कहाँ लेके गया, जंगल में लेके गया, वीरान जगह में लेकर गया, एकांत जगह में लेकर गया। मेरे प्रियो, जब हम इस दुनिया में रहते हैं, जब हम प्रकाश में रहते हैं, चलते और फिरते हैं, लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, तो कई बार हम पाप करने से, परीक्षाओं में गिरने से घबराते हैं, लेकिन जब हम अकेले होते हैं, जब हम एकांत में होते हैं, तो हम में से ज़्यादातर लोग
परीक्षाओं में घिर जाते हैं। दाऊद भी जब अकेला था और एकांत में था तो वो परीक्षा में घिर गया था। और इस तरह से हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो जंगल में गया, पवित्र आत्मा ने उसकी अगुवाई की ताकि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। और सबसे पहली जो परीक्षा वहाँ पर आई, वो आने से पहले यीशु मसीह ने 40 दिन और 40 रात उपवास किया, परमेश्वर के वचन पर ध्यान और मनन किया, निरंतर वो प्रार्थना में लगा रहा और शैतान दूर खड़ा खड़ा देखता रहा। और जब 40 दिन का समय पूरा हो गया तब उसने यीशु मसीह के पास आया वो, और यीशु मसीह को भूख लगने लगी तो उसने कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इन पत्थरों से कि ये रोटियां बन जाएं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह की पहली परीक्षा वही परीक्षा थी जो आदम और हव्वा की पहली परीक्षा थी। आदम और हव्वा ने उस वर्जित पेड़ का फल खाया, खान पान की परीक्षा पहली परीक्षा। हमारे मसीह जीवन में जो पहली परीक्षा आती है वो खान पान की परीक्षा आती है। मेरे प्रियो, दानियल उसके मित्रों के जीवन में ये परीक्षा आई, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि वो गलत खान पान में नहीं जाएंगे, परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे। और इसलिए परमेश्वर ने उनके उस फैसले का आदर किया और उन्हें 10 गुना बुद्धिमान बनाया। लेकिन हम राजा सुलेमान को देखें, राजा सुलेमान जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था, उसने अपने खान पान के विषय में गंभीरता नहीं बरती और इसलिए वो आखिरी वर्षों में पतन उसका हो गया। वो गलत कार्य करने लगा, वो मूर्ति पूजा करने लगा और परमेश्वर से दूर हो गया। आदम और हवा ने भी जो गलती की थी, जहाँ पर गिर गए थे, मसीह यीशु को वहाँ पर सफल होना था। आदम हवा भूखे नहीं थे जब उन्होंने उस वर्जित पेड़ का फल खाया, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह 40 रात और 40 दिन से भूखा था और वो थका हुआ था, वो परेशान था और उसको भूख लग रही थी। और शैतान ने कहा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इन पत्थरों से रोटियां बन जाएं। यीशु मसीह ने इस परीक्षा का कैसे सामना किया? यीशु मसीह ने कहा, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही जीवित ना रहेगा बल्कि हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जीवन से जो दूसरी बात हम सीखते हैं वो ये है कि यीशु मसीह वचन को सही तरह से जानता था और सही तरह से उसका इस्तेमाल करता था। जब उसके सामने परीक्षा आई, जब उसके सामने आजमाइश आई तो उसने कहा, लिखा है। वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, अर्थात हमें रोटी के लिए, हमें खान पान के लिए पाप करने का कोई भी बहाना नहीं है। हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी है, इतना विश्वास योग्य है कि वो हमारे जीवन की रक्षा बिना भोजन के भी कर सकता है और वो हमें संभाल सकता है और वो हमें किसी भी ऐसी परीक्षा में, किसी भी ऐसी आजमाइश में कभी नहीं पड़ने देगा जिसको हम सह नहीं सकते। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जयवंत हुआ, शैतान पराजित हुआ और शैतान की हार हुई। यीशु मसीह पहली परीक्षा में जो खाने के संबंध में थी, जो खान पान के संबंध में थी, उसमें वो जयवंत हुआ। अब हम दूसरी परीक्षा पर ध्यान देंगे और दूसरी परीक्षा के बारे में लिखा है मत्ती 4:5 में कि इबलीस जो है यीशु मसीह को पवित्र नगर में लेकर गया और कंगूरे के ऊपर यरूशलम के मंदिर में ले जाकर कंगूरे के ऊपर उसको खड़ा कर दिया और उससे कहा कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे लिए वचन में लिखा है कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यहाँ पर हम जो दूसरी बात देख रहे हैं कि शैतान ने वचन का प्रयोग किया, वचन का प्रयोग किया लेकिन गलत तरीके से किया। वचन में ये नहीं लिखा है कि तू कहीं छत से गिरेगा तो स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे, हाथों हाथ तुझे उठा लेंगे, बल्कि ये लिखा है कि तेरे सारे मार्गों में परमेश्वर के स्वर्गदूत तेरी रक्षा करेंगे और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि पाँव में
तेरे पत्थर से ठेस लगे। जब हम परमेश्वर के कार्य को करते हैं, परमेश्वर के भेजे हुए मार्ग पर हम जाते हैं, तब स्वर्गदूत हमारी रक्षा करते हैं। और यीशु मसीह ने फिर जवाब दिया, लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी परीक्षा का भी सामना इस तरह से किया, लिखा है वचन का सही ज्ञान और वचन का सही उपयोग, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और इसी के द्वारा जो है हम जयवंत हो सकते हैं। फिर हम देखेंगे यीशु मसीह की तीसरी परीक्षा के बारे में। मत्ती 4:8 में लिखा हुआ है, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उनका विभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तीसरी परीक्षा जो प्रभु यीशु मसीह के सामने आई वो परीक्षा थी लालच की परीक्षा। पहली परीक्षा भूख की परीक्षा, दूसरी परीक्षा घमंड की, दिखावे की परीक्षा, और तीसरी परीक्षा लालच की परीक्षा। कई बार हम खान पान में जयवंत हो जाते हैं, कई बार हम दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लालच में आ जाते हैं और लालच में आकर मनुष्य गिर जाता है। मनुष्य पैसे के लिए, दुनिया के धन दौलत के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ देता है। परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को बहुत ही करारा जवाब दिया कि हे शैतान, ये दुनिया की धन दौलत तेरी नहीं है, लेकिन आदम और हवा के आज्ञा उल्लंघन के कारण तेरे पास पहुँच गई है, लेकिन मैं इसको गलत तरीके से हासिल नहीं करूंगा, क्योंकि लिखा है कि केवल परमेश्वर की उपासना कर और केवल उसी को दंडवत कर। मेरे प्रियो, आप परीक्षाओं में जयवंत होना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दुनिया के लोग जब आपको देखें तो एक आदर की दृष्टि से देखें, एक सम्मान की दृष्टि से देखें, समाज में आपका सम्मान हो, समाज में आपकी कीमत हो और लोग आपको बहुत ही आदर दें और आपको अपना आदर्श और अपना नमूना बनाएं, तो ये आवश्यक है कि हम प्रार्थना करने वाले हों। और दूसरी बात यह है कि वचन का हमें सही ज्ञान हो और हर परीक्षा के सामने हम ये पूछें कि यीशु मसीह अगर मेरे स्थान में होता तो वो क्या करता, वो इस परीक्षा का सामना कैसे करता। और यीशु मसीह ने जिस तरह से परीक्षा का सामना किया, हम भी वैसे ही कहें, लिखा है, वचन में लिखा है, हमें वचन के अनुसार चलना है। मेरे प्रियो, यहाँ पर यह बात समझ लेना बहुत आवश्यक है कि शैतान की ये पूरी कोशिश रहती है कि हम वचन से दूर रहें। किसी ने कहा है, या तो वचन तुम्हें पाप से अलग रखेगा या फिर पाप जो है तुम्हें वचन से अलग रखेगा। अगर हमारे जीवन में वचन है तो पाप हमारे जीवन में नहीं आ सकेगा, और अगर हमारे जीवन में पाप है तो वचन हमारे जीवन में नहीं आएगा। बहुत से लोग इस वचन को अपनी समझ और अपनी बुद्धि से समझने की कोशिश करते हैं। हमें पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें उपवास के साथ प्रार्थना करना है, और परमेश्वर अपना वचन को समझाएगा और हमें इसको याद करना है, क्योंकि राजा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और वो कहता है, जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मेरे प्रियो, ये जो वचन है, ये जो परमेश्वर का पवित्र वचन है, ये दोधारी तलवार है, इसका हमें सही ज्ञान होना चाहिए, इसका सही उपयोग करना हमें आना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सारी परीक्षाओं के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह कहता है, सिद्ध बनो जिस तरह से तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। तो मेरे प्रियो, हम देखें कि यीशु मसीह परीक्षाओं पर जयवंत होने के लिए हमें क्या आदेश देता है। मत्ती 26 में हम जाएंगे और उसके 41 में हम पढ़ेंगे, वहाँ पर यीशु मसीह कहता है अपने चेलों से, जब वो गतसमनी बाग में था और उसे पता था कि थोड़ी देर में उसको पकड़वाया जाएगा, और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बड़ी दया और बड़ी करुणा की नज़र से देखा, क्योंकि वो परीक्षा का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मेरे साथ जागते रहो जबकि मैं आगे जाकर
प्रार्थना करता हूँ। और मेरे प्रियो, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह वापस आया तो उसने अपने चेलों को सोते हुए पाया और उनसे कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके? मेरे प्रियो, जिस समय उन्हें बल की ज़रूरत थी, परीक्षा में जयवंत होने की ज़रूरत थी, उस समय वो सो गए। और इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा, जागते और प्रार्थना करते रहो। हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी के द्वारा हम परीक्षाओं में जयवंत हो सकते हैं। हमारा यीशु मसीह परीक्षाओं में जयवंत हुआ और वो चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां, उसके संतान जो आप और मैं हैं, हम भी परीक्षाओं में जयवंत हों। और यीशु मसीह कहता है कि जागते और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि आत्मा तो तैयार है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा शरीर दुर्बल है, हम कमज़ोर हैं। हमारे शरीर की ख्वाहिशें, हमारी भूख, हमारा लालच, हमारा घमंड जो है वो हमारे अधीन नहीं है, और इसके लिए हमें प्रार्थना करना है ताकि पवित्र आत्मा हमें इतना बल दे कि जो शरीर की जो प्राकृतिक इच्छाएं हैं, जो प्राकृतिक ख्वाहिशें हैं, वो हमारे ऊपर जयवंत ना हो सकें और हम इस तरह से अपनी परीक्षाओं में जयवंत हों। क्योंकि हमारा प्रभु जयवंत प्रभु है, हमारा प्रभु विजयी प्रभु है। हमारे प्रभु ने शैतान को परास्त किया, उसको हरा दिया, और वो कहता है कि मैं तुम्हें विजयी होने का सूत्र देता हूँ, फार्मूला देता हूँ, और वो ये है कि जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। आत्मा तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। मेरे प्रियो, आप देखें अपने जीवन में, जिन दिनों में आप प्रार्थना नहीं करते हैं और दिन भर के कार्यों को शुरू कर देते हैं, और शाम को जब आप अपने दिन भर के कामों की ओर निगाह उठाते हैं और आप देखते हैं और आप पाते हैं कि आपका दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ाहट से भरा हुआ रहा, समस्याओं से भरा हुआ रहा, क्योंकि आपने उस दिन की शुरुआत प्रार्थना के साथ नहीं की, वचन के साथ नहीं की। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब हम जयवंत होना चाहते हैं, विजयी होना चाहते हैं, यीशु मसीह के समान परीक्षाओं के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर दिन की शुरुआत हम प्रार्थना से करें, वचन के अध्ययन से करें, और हर दिन की समाप्ति भी अपने परिवार में पारिवारिक प्रार्थना के साथ करें, वचन का अध्ययन करें, साथ साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा के गीत गाएं, मिलकर प्रार्थना करें, वचन का अध्ययन करें, और इस तरह से हमें वो बल प्राप्त होगा, हमें वो सामर्थ्य प्राप्त होगी, और हम परीक्षाओं के ऊपर जयवंत हो सकेंगे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह परीक्षाओं के ऊपर जयवंत हुआ है। आइए मेरे साथ आप याकूब की पत्री 1:12 में चलें, और वहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि जो परीक्षाओं में जयवंत होंगे उन्हें क्या मिलेगा। वचन में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षाओं में इससे रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। कितनी महान प्रतिज्ञा हमें दी गई है कि वो जन जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, गिरता नहीं है, परमेश्वर उसे जीवन का मुकुट देगा, परमेश्वर उसे महिमा देगा, आदर देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज ऐसे लोगों को देख रहा है, ऐसे लोगों को खोज रहा है जो उससे सामर्थ पाकर इस संसार में एक विजयी जीवन बिताएं, अय्यूब के समान जीवन बिताएं। जब शैतान ने आप उसको ऊपर अय्यूब के ऊपर दोष लगाना चाहा, तो परमेश्वर ने कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? क्या तूने मेरे उस धर्मी जन को देखा है? देख वो कैसा निर्दोष है, देख वो कैसा पवित्र चाल चलन का व्यक्ति है। मेरे प्रियो, आप भी परमेश्वर से सामर्थ पाकर, परमेश्वर से बल प्राप्त करके आप भी एक विजयी जीवन बिता सकते हैं, आप भी परमेश्वर की महिमा का कारण बन सकते हैं, आप भी लोगों के लिए एक बहुत अच्छा नमूना दे सकते हैं, और आप अपने परिवार को विनाश के मार्ग पर जाने से बचा सकते हैं, आप अपने प्रिय लोगों को विनाश के मार्ग पर जाने से बचा सकते हैं। जब आप परीक्षाओं में जयवंत होंगे तभी आप किसी दूसरे की मदद कर सकते हैं, लेकिन जब हम स्वयं परीक्षाओं में हार जाएं तो हम किसी और की मदद नहीं कर सकते। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद किया चाहता है, और वो चाहता है कि हम उससे मदद मांगें ताकि हम जयवंत हों, हम विजयी हों, और इससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। मेरे प्रियो, परास्त मसीहों से,
परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती, लेकिन विजयी मसीही लोगों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है, परमेश्वर की बड़ाई होती है, परमेश्वर की काम की बड़ाई होती है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है कि मैं और आप सब लोग जो हैं विजयी हों। आइए मेरे साथ एक और बाइबल पद को खोलिए, यहूदा की पत्री और उसके हम 24 पद को पढ़ेंगे और हम यहाँ पर देखेंगे कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की गई है। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुग होता रहे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमें परीक्षाओं में संभाल सकता है, यीशु मसीह हमें जयवंत कर सकता है। हम यीशु मसीह की ओर देखें। यीशु मसीह से आपने मुलाकात की है, यीशु मसीह के जीवन का आज आपने एक विशेष पहलू जाना है कि आप कैसे अपने जीवन की परीक्षाओं में जयवंत हो सकते हैं। आपको आवश्यकता है कि आप प्रार्थना का जीवन बिताएं, आपको आवश्यकता है कि आप उसके वचन का सही ज्ञान हासिल करें, आपको आवश्यकता है कि आप उसकी दुहाई देते रहें और निरंतर अपने घर में वचन का अध्ययन करें। हर दिन की शुरुआत प्रार्थना से करें, हर दिन की समाप्ति पारिवारिक आराधना के साथ करें और इस तरह से आप जयवंत होंगे और परमेश्वर को बड़ाई और महिमा मिलेगी और बहुत से लोग आपको अपना आदर्श और अपना नमूना बनाएंगे। इस तरह से आपको आदर और सम्मान मिलेगा और प्रभु का नाम महिमा पाएगा। प्रभु करे कि इस संदेश से आप सबको एक प्रोत्साहन मिले, हिम्मत मिले, आप जयवंत हो सकते हैं क्योंकि आपका प्रभु विजयी प्रभु है। आप परीक्षाओं के ऊपर जयवंत हो सकते हैं, आप पापों के ऊपर जयवंत हो सकते हैं और जब यीशु मसीह आएगा तो आपको अपने साथ लेकर जाएगा। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य पिता, आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता और स्वामी हैं। आपने संसार में आकर एक जयवंत जीवन बिताया, आपने शैतान को परास्त किया, आपने शैतान की युक्तियों को असफल और फेल कर दिया और उससे कहा लिखा है। प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ यही सामर्थ अपने आप इन बेटी और बेटियों को दें ताकि ये भी वही सामर्थ को प्राप्त करें। हमें से हर एक को प्रेरित करें, मदद करें ताकि हम प्रार्थना का जीवन बिताएं, वचन के अध्ययन का जीवन बिताएं और हम जयवंत हों और प्रभु यीशु मसीह को बढ़ाई और महिमा मिले। और जब मसीह यीशु हम सबको लेने के लिए आए तो हम उसे मिलने के लिए तैयार पाए जाएं। इन घरानों में, इन खानदानों में प्रभु, जिन वचन को जो लोग सुन रहे हैं, आपकी आशीष और अनुग्रह हो और आपका नाम महिमान्वित हो। इस विनती को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं।